हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट रायता मिर्ची बनाएंगे। तो इंस्टेंट रायता मिर्ची बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश ताजी हरी मिर्ची लिया है। तो ये मिर्ची को हम कट करके रेडी कर लेते हैं। तो एक मिर्ची का हम दो भाग करेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हो। तो ये मिर्ची का आचार है ना, बना के तुरंत हम खा सकते हैं। और ये ठंडी की सीजन में रायता मिर्च का अचार खाने में ज्यादा टेस्टी लगता है। और ठंडी की सीजन में हरी वाली मिर्ची भी ताजी और फ्रेश मिलती है। तो जितनी हमने मिर्ची लिया है ना, उतनी मिर्ची को हमने कट कर लिया है। तो चलिए मिर्ची के ऊपर डालने के लिए मसाला की तैयारी करेंगे। तो रायता मिर्ची बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है मस्टर्ड का कुरिया। वो मार्केट में इजी से मिल जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो ब्लैक वाली जो मस्टर्ड सीड आती है ना, उसको आप मिक्सर में डाल के क्रश करके उसका कुरिया भी बना सकते हो। उसके बाद दूसरी साइड हम आधा कप तेल को भी गर्म करने के लिए रख देते हैं इस सांभर में डालने के लिए। तेल अच्छा खासा गरम करेंगे। और ये साइड हमारा तेल गरम हो रहा है ना, तब तक हम मस्टर्ड का कुरिया में नींबू भी निचोड़ देते हैं। तो मैं पूरा का पूरा नींबू निचोड़ दूंगी। उसकी वजह से हमारा अचार खराब भी नहीं होगा और लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगा। तो कुरिया में मैंने पूरा का पूरा नींबू डाल दिया है। अभी हम डालेंगे ऊपर से हल्दी पाउडर। आधी स्पून से मैंने ज्यादा हल्दी डाला है, हाफ टी स्पून जितना डालेंगे हींग। और दूसरी साइड हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो वो भी हम ले लेते हैं। और गर्म तेल हम मस्टर्ड का कुरिया में डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम तेल डालेंगे और कुरिया को मिक्स भी करेंगे। तो तेल हमने जो गरम किया था ना, वो हमने पूरा का पूरा डाल दिया है। और ये सांभर को हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए ना, उसके बाद हम सांभर हम मिर्ची में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा मस्टर्ड का सांभर है ना, ठंडा भी हो गया है। और दूसरी साइड हम हरी मिर्ची एक बड़े बर्तन में डाल के उसमें मस्टर्ड का सांभर डाल देंगे। पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा ज्यादा डालें, जो कम नमक रहेगा ना तो भी आपकी मिर्ची चिकनी हो जाएगी। नमक डाल के अच्छे से संभारे मिर्ची को मिक्स करेंगे। अगर ज्यादा खट्टी वाली मिर्ची बनाना है तो नींबू आप ज्यादा भी डाल सकते हो, उससे आपका अचार खराब भी नहीं होगा और फ्रेश रहेगा। तो लीजिए, ठंडी में खाने की मजा आ जाए, ऐसा हमारा इंस्टेंट रायता मिर्च का अचार बन गया है। बना के तुरंत खा सकते हो। एक कांच की बोतल में रख के फ्रिज में रख दीजिए, लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेगा। तो सुबह के नाश्ते में भाकरी के साथ ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।